this could be us. So back to what I was saying. This could be us. हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांडे एंड वेलकम टू स्टॉक्स। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं तीन ऐसे स्टॉक्स जो पूरे निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा अपना वेटेज रखते हैं। तो जैसे कि आपको देख रहे हो आजकल की बहुत ज़्यादा फॉल आ रहा है निफ्टी में, आज थोड़ा रिकवर किया, कल थोड़ा फॉल आया था, ऐसे करके निफ्टी बैंक निफ्टी में लोगों को लग रहा है क्या पता फॉल आ जाए या फॉल नहीं आएगा। तो लोगों को बहुत सारी क्वेरीज हैं कि क्या इसमें अभी हमको निफ्टी बैंक निफ्टी में करेक्शन देखने को मिल सकता है या दोबारा हमको निफ्टी बैंक निफ्टी बुलिश देखने को मिल जाएगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि क्या मेरे को व्यूज लग रहे हैं, तो निफ्टी बैंक निफ्टी हम दोबारा एनालिसिस करने की भी जरूरत है नहीं। तो उसमें मैं सब सोच रहा हूँ कि तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में देखता हूँ, एक हो गया रिलायंस, एक हो गया TCS, एक हो गया HDFC बैंक। ये तीन ऐसे स्टॉक्स हैं जो कम से कम 11-12% से ऊपर हर स्टॉक अपना वेटेज रखता है निफ्टी 50 में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक्स ये होते हैं जब हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। अगर ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा वीक होंगे, अगर बेरिस होंगे, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि निफ्टी भी थोड़ा बेरिस हमको देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बुलिस होंगे और निफ्टी हमको लग रहा है कि वीक है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि निफ्टी वीक ना हो, क्योंकि ये स्टॉक्स तो संभाल के रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मंथली टाइम फ्रेम में चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैं आपको कितने बार बता दिया है कि जब भी मैं करता हूँ एनालिसिस करता हूँ तो मैं शुरू करता हूँ बड़े टाइम फ्रेम से, मंथली से मैं शुरू करता हूँ, उसका वीकली में जाता हूँ, उसके बाद डेली में एंड सो ऑन। तो ऐसे करके सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें, तो मंथली टाइम फ्रेम में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था जो कि था 2268 के लेवल से। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही इसकी ब्रेकआउट कैंडल, देखिए कितनी अच्छी ब्रेकआउट कैंडल इसमें फॉर्म हुई है। तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। और वहीं अगर हम इस ब्रेकआउट का वॉल्यूम चेक करें तो वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम थोड़ा बेकार था, इसका मतलब ब्रेकआउट कैंडल पर इतनी अच्छी ब्रेकआउट कैंडल है उसमें वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद क्या पता ये रिटेस्ट ले आ रहा है, ब्रेकआउट के बाद ऐसा भी हो सकता है ये 2268 तक रिटेस्ट के लिए आए। तो अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में देखिए कितना अच्छा ये मैंने जो मंथली का जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन बनाया था वो कितना इंपॉर्टेंट था। मैं थोड़ा इसको दोबारा एडिट करूँगा और इसको मैं लेके आऊँगा इस लेवल पे। ये रहा मेरा दोबारा जोन, तो ये अब हो गया 2246 के लेवल, ये कितना इंपॉर्टेंट ये अब सपोर्ट हो चुका है अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और वहीं अगर हम वीकली पे अगर इसके डिमांड जोन की बात करें तो मुझे एक अच्छा खासा डिमांड जोन नज़र आ रहा है, वो है हमारा इस लेवल पे। इस लेवल पे अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का बहुत अच्छा डिमांड जोन है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ से थोड़ा सा अपमूव हमको दिखा दे। तो दोबारा हम अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, उसके बाद हम देखते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में हमको कितना फॉल देखने को मिल सकता है। तो वहीं हम देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में मेरे को डेली टाइम फ्रेम में भी एक अच्छा खासा, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ये डिमांड जोन, लेकिन अच्छा खासा डिमांड जोन दिख रहा है इस लेवल से। तो ये देखें तो डेली वीकली का डिमांड जोन मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा है, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा और इसको एक बार दोबारा इसके सपोर्ट को एडिट करें तो सपोर्ट इसका थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, जो कि आ जाएगा हमारा इस लेवल पे, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में और डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेसिस्टेंस थोड़े से डिफर करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट बन जाते हैं, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में हमको बस एक कैंडल दिखती है। और अगर हम वहीं डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में देखिए आपको मंथली टाइम फ्रेम में सिर्फ यहाँ पर दो कैंडल्स दिखी थी हमको मंथली टाइम फ्रेम में। और वहीं हम अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पर इतना बढ़िया रेसिस्टेंस है, यहाँ पर इतना बढ़िया सपोर्ट मिला है, इसके बाद यहाँ पर रेसिस्टेंस, इतना बढ़िया रेसिस्टेंस मिला है और वहीं पर अब दोबारा ये सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में देखिए कितनी ज़्यादा कैंडल्स और कितना ज़्यादा एक्यूरेट हमको मिल रहा है। और वहीं हमने मंथली टाइम फ्रेम में देखा, मंथली टाइम फ्रेम में सिर्फ दो कैंडल थी और उतना एक्यूरेट नहीं बना था। तो अब देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो मेरा लेवल्स हैं और जहाँ मैं बाई करने की सोच रहा हूँ वो है मेरा 2192 के आसपास। तो यहाँ पर मेरी ले लीजिए इसको राउंड ऑफ करके 2200 के आसपास मैं इसमें एंट्री करने की सोच रहा हूँ। और वहीं देखूँ मैं कितना ज़्यादा वीक है, मतलब कितना ज़्यादा भी नीचे गिर सकता है। तो करंट प्राइस का 2344 है और वहीं से देखा जाए 220 के बाद आसपास, इसका मतलब अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज 6% डाउन और जा सकता है। 6% डाउन मतलब उसके आसपास अगर देखा जाए तो निफ्टी भी हमको थोड़ा बहुत अभी दोबारा इसमें फॉल देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर निफ्टी ज़्यादा बेरिस हो जाता है तो उसके बाद मैं इसमें एंट्री करूँगा वीकली के ये वाले डिमांड जोन में, जो कि है 1943, और उसके बाद ये तो थोड़ा दूर हो जाएगा, तो मैं एंट्री करूँगा इस वाले लेवल पर।
तो 2088 के पास मेरी लास्ट एंड फाइनल एंट्री रहेगी। इससे नीचे रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी नहीं करने वाला है, ये मेरी फाइनल एंट्री रहेगी। और अभी की एंट्री मेरी है 2200 के लेवल आसपास। इसका मतलब हमको इसमें ये देखने को मिला कि 6% के आसपास रिलायंस अभी फॉल कर सकता है। तो अब हम चलते हैं TCS की तरफ। TCS बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, 9-10% के आसपास वेटेज रखता है निफ्टी 50 में। वहीं हम TCS के डिमांड जोन की बात करें तो TCS के डिमांड जोन मैंने मार्क किया है, ये रहा हमारा TCS का डिमांड जोन। और बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है वीकली सेक्टर में, वीकली टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। वहीं हम मंथली की बात करें एक बार, तो मंथली में एक सपोर्ट एरिया भी है जो है 3326 के आसपास, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये भी कह सकते हैं हम। और वहीं हम दोबारा वीकली पे चलते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। और वहीं हम डेली में एक बार और इस चार्ट को देखते हैं कि डेली में कैसा ये चार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो डेली में देखिए कितना अच्छा, जो मंथली वाला मैंने जो सपोर्ट जोन बनाया है वो देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया रेजिस्टेंस मिला है, बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस प्रोवाइड हुआ है। और इसी रेजिस्टेंस का ब्रेक और रीटेस्ट होते ही इतना बड़ा हमको TCS में मूव देखने को मिल चुका है। और ये अब आ रहा है अपना दोबारा सपोर्ट लेने के लिए। तो TCS का जोन मेरे को भी सपोर्ट जोन जो है वो स्ट्रॉन्ग लग रहा है, 3326 के आसपास। और वहीं डिमांड जोन देखें, डिमांड जोन ही मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है अभी TCS का। तो वहीं हम TCS में भी देखते हैं कि हमको कितना फॉल देखने को भी मिल सकता है, जब क्योंकि मैं इस लेवल पे एंट्री करने वाला हूँ। करंट मार्केट प्राइस से हमने लेके देख लिया तो 6.66 के आसपास, क्योंकि मैं एंट्री करने वाला हूँ 3211 के लेवल पे। तो रिलायंस भी 6% फॉल कर सकता है और TCS भी 6% के आसपास फॉल कर सकता है। ये देखिए बराबर चल रहे हैं बिल्कुल, इसका मतलब निफ्टी भी हमको इसी के आसपास फॉल देखने को मिल सकता है। और अभी हम वहाँ चलते हैं HDFC बैंक की तरफ। HDFC बैंक अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में देखूँ, वीकली टाइम फ्रेम में मुझे एक अच्छा खासा डिमांड जोन दिख रहा है, जो कि दिख रहा है मुझे 1430 के लेवल पे। बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, देखिए कितनी अच्छी डिमांड जोन की क्लोजिंग है यहाँ पर, देखिए कितनी बढ़िया क्लोजिंग दी है। और कितना स्ट्रॉन्ग इसने एक जो कह सकते हैं डोजी कैंडल कह सकते हैं या हम स्प्रिंग टॉप कह सकते हैं, उस कैंडल के साथ जोन बनाया। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ये जोन है अभी HDFC बैंक का। और वहीं हम दोबारा पहले मंथली टाइम फ्रेम में इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर मेरे को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी दिख रहा है, ये रहा मेरा सपोर्ट लेवल। तो यही मैं इसका सपोर्ट लेवल बनाऊंगा, जो कि है 1409 के आसपास। और वहीं हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में हमको देखने को मिल रहा है कि स्ट्रॉन्ग जो जोन मैंने बनाया है वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग भी है, बहुत अच्छा जोन है। और वहीं हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं, उसमें आपको बताता हूं कि हम कितना भी HDFC में हमको फॉल देखने को मिल सकता है। HDFC बैंक पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी कवर रखता है, HDFC बैंक अगर फॉल होगा तो बैंक निफ्टी भी बहुत चांसेस है कि फॉल होगा। तो वहीं हम देखते हैं HDFC बैंक अभी कितना परसेंट फॉल हो सकता है। मैं एंट्री करूंगा इसमें 1428 के आसपास, और देखिए इसमें भी हमको आराम से 5.88 जो कि है 6% के आसपास का फॉल देखने को मिल सकता है। इसका मतलब अभी मैंने आपको पूरा चार्ट एनालिसिस बता दिया है रिलायंस, TCS और HDFC बैंक का। और इसमें हमको साफ पता लग रहा है कि तीनों जो स्टॉक्स हैं उनका जो अच्छा अभी बेस्ट एंट्री पॉइंट बन सकता है वो है 6% डाउन पे। इसका मतलब अभी 6% डाउन ये तीनों स्टॉक्स आ सकते हैं और हमको 6% डाउन के आसपास फॉल देखने को मिल सकता है। तो यही था इस वीडियो में, बहुत अच्छे से मैंने आपको एनालिसिस बता दी है TCS, रिलायंस और HDFC बैंक की। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट से मुझे बताना कि आपको किस स्टॉक में प्रॉब्लम है, आप किसी स्टॉक में इस करेक्शन में फंस गए हैं, तो मैं आपको उस स्टॉक का अगर हो सकता है तो टेक्निकल एनालिसिस बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आप मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज को भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज़रूर कर देना, क्योंकि उसमें स्विंग ट्रेडिंग के चार्ट्स और इंट्राडे चार्ट एनालिसिस ज़रूर शेयर करता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।